स्वदेशी जागरण मंच इकाई हमीरपुर ने गांधी चौक पर चीनी सामान के विरोध में प्रदर्शन किया। इस दौरान स्वदेशी जागरण मंच के पदाधिकारियों ने चीनी सामान को जलाया और स्वदेशी अपनाने के लिए अपील की। सदस्यों ने चीनी सामान का प्रयोग न करने का संदेश दिया। प्रदर्शन के दौरान स्वदेशी जागरण मंच अध्यक्ष जगवीर चंदेल, संजीवन मनकोटिया, पंकज भारती, नरेंद्र नंदा, अश्विनी राकेश कुमार मौजूद रहे। सदस्य चंद्रकांत ने बताया कि चीनी सामान ने भारत पर कब्जा किया है और आज पूरा देश चीनी सामान के कब्जे में है। उन्होंने कहा कि स्वदेशी जागरण मंच इकाई ने चीनी सामान जलाकर लोगों से स्वदेशी अपनाने की मांग की। कार्यक्रम चीन के सामान की होलिका दहन का यहां स्वदेशी जागरण मंच की ओर से किया जा रहा है। अगर हम देखें तो पिछले कुछ वर्षों में चीन की जो नीति रही है लगातार आगे बढ़ने की रही है, चाहे वो सिक्योरिटी यूएन में सिक्योरिटी गार्ड में हमारी सदस्य का हो या फिर पाकिस्तान के कुछ आतंकवादियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर आतंकवादी घोषित करने का हो, लद्दाख में लगातार उनका अतिक्रमण हो या फिर डोकलाम में उनका जो है सैन्य अतिक्रमण हो, और अरुणाचल प्रदेश में वहां के नागरिकों को फ्री वीजा देना और अरुणाचल को अपनी टेरिटरी घोषित करना, ये सब चीन के हथकंडे रहे हैं। और यहां पर उनका सामान कई प्रकार से आता है, लीगल इलीगल सभी तरीकों से आता है, और जिससे यहां की अर्थव्यवस्था नष्ट हो रही है और कहीं ना कहीं जाने अनजाने हम लोग चीन की उस अतिक्रमणवादी नीति को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज का ये कार्यक्रम उसके एक सांकेतिक रूप में है कि हम इसका विरोध करेंगे, हम अपने धन से अपने ही देश की संप्रभुता को खंडित नहीं होने देंगे, उसको हम बचाए रखेंगे। आज का कार्यक्रम इसी निमित्त वरिष्ठ सदस्य नरेंद्र नंदा ने कहा कि आज देश में चीन ने सामान भर दिया है और घटिया सामान बनाकर भारत भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश वासियों को चीनी सामान का बहिष्कार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत के लोग चीनी वस्तुओं का ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं जो कि हानिकारक है और केवल पैसे कमाने की होड़ है। की तारीख में स्थिति ये हो गई है कि हमारे देश में जहां भी जाए वहां चीन ने सारा सामान यहां पर डंप कर दिया है। हमारे देश में स्थिति ये है कि ये सामान ना तो टिकाऊ होता है और इसकी केवल ये एक अट्रैक्शन दी जाती है कि ये सामान जो है सस्ता है, जबकि अब लोगों ने जो है ये महसूस करना शुरू कर दिया कि ये निकम्मा सामान जो कि घटिया सामान वहाँ पर बना करके भारत में शुरू में कुछ वर्षों में भारत के भोली भाली जनता को गुमराह किया गया, बेवकूफ बनाया गया, लेकिन लोग अब समझदार हो गए हैं, वो अब ये चीन निर्मित सामान से दूर रह रहे हैं, उसका बहिष्कार हमारे बोलने पर बहिष्कार कर रहे हैं। इसी बात को देखते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने ये एक कार्यक्रम लिया स्वदेशी वस्तुओं का। इसका हम ये नहीं कहते हैं कि हर चीज जो है वो और जगह से नहीं आ सकती है, लेकिन हम चीन के देश को अपने आप पाल रहे हैं वहाँ का सामान लेकर के, और वो सामान जो कि नुकसानदायक है, चाहे आप बच्चों के खिलौने ले लीजिए, आप देख रहे हैं कई बार सोशल मीडिया में भी आ रहा है वहाँ के चावल, प्लास्टिक के चावल तक उन्होंने बेचना शुरू कर दिए, वो केवल पैसा कमाने की होड़ में उन्होंने चीन ने इंसानियत तक जो है वो भी दांव पर लगा दी है, लोगों की जिंदगियां दांव पर लगा दी है। इसी सारी चीजों को देखते हुए निर्णय लिया गया राष्ट्र स्तर पर कि इस सामान का जो है बहिष्कार किया जाए, जिससे कि उनको हम जो पाल रहे हैं वो पालना जो है बंद हो जाए।